ऑफिस चले जाते तो बात ना हो पाती। क्या बात करनी थी? कोर्ट जाना है मुझे, उला का नोटिस भेजना है उन सबको। क्या जरूरत है ये सब करने की? उन सब भी यही चाहते हैं, खामखा कोर्ट के चेहरे के चक्करों में मत पड़ो तुम लोग। मुझे उससे कोई बात नहीं करनी और ना ही मैं करना चाहती हूँ। तो ये जरूर बताना चाहती हूँ कि वो मुझे नहीं, मैं उसे छोड़ना चाहती हूँ। इतने साल उसने जो मेरी रूह पर जख्म लगाए, वो नासूर बने मुझे बेसकून रखते थे। ऐसा करके उसकी अनाप में जो जर्ब लगेगी, वही शायद मुझे सुकून भी मिलेगा। तो मुझे ले जाओगे? पर डटी हुई है। और तुम, क्या इरादे हैं तुम्हारे? काश किस्मत मेरे इरादों से चलती। बात मेरे इरादे या किस्मत की नहीं है, बात महमिल के बढ़ते हुए कदमों की है। खुला के बाद तो आजाद होकर वो हैदर को फिर से कैद कर लेगी। उसके आजाद होने से क्या होता है? हैदर तो पहले ही उसका दीवाना था। अलबत्ता उस वक्त तुम उसकी जिंदगी में नहीं थी। तुम्हें उसकी दीवानगी पर अपने प्यार के पहरे बिठाने, अपने होने का एहसास दिलाना है, इतना कि तुम ना भी हो उसके साथ तो वो तुम्हें अपने पास महसूस करे। क्या ऐसा होना मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। देखो बेटा, यकीन पक्का और इरादा पुख्ता हो तो सब कुछ मुमकिन है। तुम्हारे दिल में अपने शौहर का प्यार पाने की जुस्तजू हो तो वो तुम्हारी जीत और उसकी हार साबित होगी। है तुम में इतनी जुस्तजू कि महमिल को हरा सको? तेरी तुम्हारी जिंदगी में आई है, मेरी नहीं। तो तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे? बिल्कुल तन्हा?
जवाब तो है हैदर, जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है, तुम हाथ जुड़ाने की बात कर रहे हो। मैं मलिया, हाथ तुमने छोड़ा था, मैंने नहीं, इसलिए तुम्हारा गिला नहीं करता। मैं कोई गिला नहीं करूंगी, लेकिन तुम भी तो मुझे शिकायत का मौका मत दो। दिलनशीन तुम्हारी बीवी है, उसे कोई सरोकार नहीं मुझे। बस मुझे भी अपना नाम दे दो। ऐसा मुमकिन नहीं है। क्या गलत है इसमें है? सही क्या है इसमें? तुम अच्छी तरह से जानती हो मां, कभी भी खुश नहीं होंगी वो इस चीज से। चलो, तुम्हारी बात से इस बात का अंदाजा तो हुआ कि तुम मुझे पाना चाहते हो। ऐसा कब काम है? तुम चाहे लाख इनकार करो, तुम्हारे दिल में अब भी मुझे पाने की चाहत है। बस डरते हो तुम अपने दिल की बात कहने से, दिल की बात मनवाने से। अच्छा, कौन? चलो ठीक है, मैं आता हूँ ऑफिस। बाबरा, मेरा लैपटॉप बैग है ऊपर रूम में, वो ला दो जरा। अब ऑफिस जाओगे? मत जाओ। एक्चुअली जरूरी है ऑफिस जाना। आ जाओ। ये जो है बेगम साहिबा, हैदर साहब आ गए। अच्छा, महमिल भी हैं साथ? जी। ठीक है, चलो तुम चलो, मामा आ गई, उनके पास चलते हैं। चलो भाई, अपनी डॉल को भी लेके चलो। शाबाश, गुड गर्ल, आ जाओ। जाओ अपनी मामा के पास, संभालो अपनी बेटी को और मेरे बेटे को फ्री कर दो। क्या इरादा है तुम्हारा आज? समझाने क्या कहना चाह रही हैं आप? ऑफिस का टाइम तो निकल गया, अब तुम ऐसा करो कि दिलनशीन को शॉपिंग के लिए ले जाओ, खुश हो जाएगी। उन्हें मानेगी? क्यों नहीं मानेगी? तुमने पूछा है क्या उससे? अरे भैया, आजकल ऐसी कौन लड़की होगी कि उसका शौहर उसे शॉपिंग ले जाना चाहे और वो इनकार कर दे? क्यों महमिल, तुम क्या कहती हो? जी ताई अम्मी, ठीक कह रही हूं। लो, अब तो महमिल ने भी कह दिया। जाओ, वो शायद तैयार हो रही हो, मैं उससे कहकर आई थी। हो गई होगी तैयार, जाओ। जी। चलो बेटा, लेट्स गो। आ गए आप?
कहीं जा रही हो? जी बिल्कुल। किसके साथ? है कोई? मेरा एक दोस्त। क्या हुआ? मैं तो मजाक कर रही थी। मजाक में भी तुम किसी दूसरे के साथ हो, ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। बस इतनी सी बात मेरा खून खौला देने के लिए काफी है। अब तुम क्यों टेंस हो गई? ऐसे ऐसे मर्द की मोहब्बत भी कितनी अजीब है ना। खुद जो दिल चाहे वो सोचे, उसकी आजादी है, मगर बीवी की सोच पर भी पाबंदी लगाने के दर पर होता है। सोच ही तो इंसान को बनाती और बिगाड़ती है। मैं जानता हूं तुम्हारी सोच, तुम्हारी तरह पाकीज़ा। ये बात मैं जानता भी हूं, मानता भी हूं। एक्सक्यूज मी। We are made for each other. आपने बना दिया। रुको। आइए। थैंक यू। वैसे एक बात कहूं, आदतें बिगाड़ तो दी, बदलना चाहिए। बदलता तो वक्त है। मैंने वक्त से पहले लोगों को बदलते हुए देखा। शेनविल बात कर रही हूँ। चले प्लीज। या आफ्टर यू। थैंक यू। इस वक्त कौन आ गया? मैं देखता हूँ। खाने के वक्त भी लोगों को चैन नहीं। अरे वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो दिलशी? What a pleasant surprise, हैदर। अरे वाह। दिलशी और हैदर आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो, खुश रहो। बड़े अच्छे वक्त पे आए तुम दोनों, हम लोग बस खाना शुरू ही करने वाले थे। आओ। बताकर आती ना तो तुम्हारी पसंद का खाना बना लेते।
नहीं, असल में हमने अम्मी के साथ खाना खाना है तो घर जाके खाएंगे। एक्चुअली मिलने का बहुत दिल कर रहा था तो। अच्छा खाना नहीं खाओगे तो चाय से इनकार नहीं सुनूंगी मैं। भाभी आप रहने दीजिए, चाय में बना। अरे नहीं नहीं, तुम थोड़ी देर के लिए हमसे मिलने आई हो, तुम्हें किचन में लगा दें। आफिया तुम जाओ। अरे भाई क्या हो गया, मैं बना। बस मैंने कह दिया ना, तुम यहाँ बैठो चलो। अच्छा एक एक सुनो, आप लोग हमारी वजह से डिस्टर्ब हो गए, अच्छा खासा खाना खा रहे थे, प्लीज आप लोग बैठिए। नहीं खाना तो एक ही सूरत में खाया जाएगा, अगर तुम लोग हमारा साथ दोगे तो। अम्मी की बात से इनकार नहीं कर सकते। जो आफिया आफिया प्लेटें लेती आना, ये लोग खाना खाएंगे। दिलेश इत्तेफाक से बहुत मजे की तुम्हारी ने पसंदीदा ये कबाब बने। थैंक यू भाभी, मैं ले लेता हूँ। नहीं भाई मैं चावल नहीं लूंगा आज। मैं आंटी मैं लेता हूँ, आप प्लीज, मैं बिल्कुल तकल्लुफ नहीं कर रहा हूँ। अनीसा बहन को मेरा सलाम कहना और घर पे सबको। जी जी बिल्कुल, और खाना खा लीजिए। ओके बेटा, खुदा। माँ आप सबको बहुत सारा सलाम दे रहे हैं। वालेकुम सलाम। लाओ कोई काम तो ठीक से किया करो। हैदर, डिनर पे तुम्हारा वेट कर रही थी मैं। I'm so sorry, हम लोगों ने तो बाहर खाना खा लिया। It's okay. उठा लो ये खाना ले जाओ। बैग कहाँ? वो मैंने ड्राइवर को दे दिया था, उसने गाड़ी में रख दिया। हाँ जी। सुना था शादी के बाद भाई बदल जाते हैं, अब तो देख भी लिया। चलो तुम्हारी हसरत तो खत्म हुई। देखा आप तो सचमुच बदल गए भाई। लाओ फोन दो। गिले शिकवे लेकर बैठ गई हो, जिस काम के लिए फोन किया था वो अभी तक नहीं। जी आज रात को तुम सब डिनर पे इनवाइटेड हो। नहीं मुश्किल हो जाएगा यार आसिम। देखो मेरी खाला से बात हो गई है, उन्होंने डन कर दिया है, और वैसे भी मैंने तुमसे पूछने के लिए नहीं तुम्हें बताने के लिए फोन किया था। और जल्दी आना, पता लगा कि खाने के टाइम आ रहे हैं। ठीक है क्या कह सकता हूँ, कोशिश करूँगा पूरी। अच्छा आप भाभी से बात कराओ। बात कराओ भाभी से।
आसिम, माय ब्रदर इन लॉ। अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाभी, वालेकुम अस्सलाम। ये दावत मैंने दी है लेकिन इसे टाइम पर लाना आपकी जिम्मेदारी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मायूस नहीं करेंगे। जी आसिम भाई, मैं आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरने की कोशिश करूँगी। थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। शाम को जल्दी आ जाएगा ठीक? जो वो तुमने जो ड्रेस पसंद किया था डिज़ाइनर के पास ऑल्टर हो गया है, तो जाके पिक कर लें। और हाँ, वो आज वही ड्रेस पहन पा अच्छा लगे। इंतजार इंसान को मार डालता है। और जान तब निकलती है जब किसी से बेइंतहा की तवक्कुआत वाबस्ता हो और उनके पूरे होने की उम्मीद भी हो, लेकिन ला हासिल इंतजार के बाद जब वो तवक्कुआत पूरी नहीं होती ना, उम्मीद भी टूट जाती। ना रखो मुझसे कोई उम्मीद और ना ही तवक्कुआत की वाबस्तगी। मैं नहीं चाहता हूं महमल मेरी वजह से तुम्हें कोई दुख पहुंचे। मत बनो ना मेरे दुख की वजह। मेरी खुशी की वजह बन जाओ।
बहुत खुश लग रही हो तुम। एक्सपेंसिव जोड़ा, एक्सपेंसिव ज्वेलरी, ये ख्वाब थे ना तुम्हारे, और फिर इन ख्वाबों को चाहे कोई भी पूरा कर दे, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। बस तुम्हारे ख्वाब पूरे होने चाहिए, है ना? और एक मेरा भाई जो तुम्हारी वजह से मौत के मुंह तक पहुंच गया, अपनी जान लेने पे तुला हुआ, अगर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत मतलब ही निकला है तुम्हारा प्यार, बहुत मतलब। चंद पैसों के लिए तुमने मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद की, भुला दिया मेरे भाई को। रुको, तुम इतनी मतलबी हो सकती थी, मैंने कभी नहीं सोचा। सही कहती थी मॉम तुम लोगों के बारे में, तुम जैसी लड़कियां ऐसे ही करती, किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर देती है, किसी की भी जिंदगी के साथ खेल लेती है। बस अपना मतलब पूरा हो, चाहे किसी की जान ही क्यों ना चली जाए। चलो मेरा हाथ दे दो। मैम आपके ड्रेसेस रेडी हैं। मैम और कुछ नहीं? मैम Excuse me. Hi. Hi. आपसे बात हो सकती है दो मिनट? लेकिन मैं तो आपको नहीं जानती। I know आप मुझे नहीं जानती, मैं भी आपको नहीं जानती, पर हम दोनों दिलनशीन को जानते हैं, और बात उसी के हवाले से। आप दिलनशीन को किस तरह जानती हैं? बहुत लंबी कहानी है, क्यों ना कहीं बैठ के कॉफी पी जाए और बात भी वहीं कर लेंगे, इफ यू डोंट माइंड। ऑल गुड, लेट्स गो। थैंक यू, प्लीज। जो तुम्हारी वजह से मौत के मुंह तक पहुंच गया, अपनी जान लेने पे तुला हुआ, अगर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता,
बहुत मतलब ही निकला है तुम्हारा प्यार। सही कहती थी मॉम तुम लोगों के बारे में, तुम जैसी लड़कियां ऐसे ही करती, किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर देती है, किसी की भी जिंदगी के साथ खेल लेती है। बस अपना मतलब पूरा हो, चाहे किसी की जान ही क्यों ना चली जाए।